हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर। ठीक है, उसकी एंट्री और क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो इशू ऑफ शेयर, जब शेयरों को हम इशू करते हैं, इशू का मतलब है जारी करना या फिर किसी अदर पर्सन को उसको बेचना, मतलब सेल करना। तो जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं, मान लो 1,000 रुपये का है तो 1,000 में ले लिया, पर जैसे हम कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट में ख़रीदते हैं तो उसको मान लो 20,000 के, तो 20,000 नकद ही देते हैं ना, तो उसको धीरे धीरे किस्तों में देते हैं, 10 किस्तों में, 5 किस्तों में। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे इशू ऑफ शेयरों को इशू करते हैं ना जब, तो जैसे शेयर 100 रुपये का है, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो वो ऐसे 3 किस्तों में, 4 किस्तों में, ऐसे या ज़्यादा में भी हो सकता है। मान लो 2025 की 4 इंस्टॉलमेंट मैंने बना दी, इस तरह का हो सकता है। तो इस तरह उसकी पेमेंट होती है। तो इनके नाम होते हैं, जैसे वहाँ पे तो कोई नाम नहीं होता ना, तो यहाँ पे इन सब के क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। जैसे जो पहली किस्त होती है हमारी, वो क्या कहलाती है, एप्लीकेशन। क्या कहलाती है अभी हमारी पहली किस्त, एप्लीकेशन। ठीक है ना, दूसरे जो होती है उसको बोलते हैं हम अलॉटमेंट। उसके बाद होता है फर्स्ट कॉल, उसके बाद होता है सेकंड कॉल। तो जो रियल में कंपनी होती है उसमें थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सारी कॉल फोर भी हो सकती हैं मतलब। तो हमारी जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमें 4 इंस्टॉलमेंट तक बात होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, फर्स्ट तक भी रुक सकती है, अलॉटमेंट तक भी केस रह सकता है, तो मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम हो सकता है। तो इस तरह से हम अपने शेयर का जो पैसा है को 4 या 3 या 2 किस्तों में मंगवाएंगे, और किस तरह से इनकी एंट्रियाँ करनी है और किस तरह से इसके एडजस्टमेंट करनी है वही हम आपको सिखाएंगे। मान लो किसी भी व्यक्ति को शेयर लेना है, ठीक है, कंपनी ने शेयर बाज़ार में मतलब आ गया कंपनी के नाम से, वही इस कंपनी के शेयर इशू हो रहे हैं, बिक रहे हैं, जो लेना चाहे ले सकता है, जो इच्छा अनुसार है। ठीक है, पब्लिक कंपनी है, तो जो भी इसको लेना चाहेगा वो ले सकता है। पर जब फर्स्ट टाइम मान लो आप ये सोच रहे हैं भाई मैं लेना चाहता हूँ शेयर, तो शेयर मार्केट से कॉन्टैक्ट करेंगे, जैसे भी ऐप्स के माध्यम से या वैसे भी, तो वहाँ से एकदम आपको शेयर थोड़ा ना मिल जाएगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब बात आ जाती है, पैसे सारे देने पड़ेंगे क्या? नहीं, सारे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि आपको इंस्टॉलमेंट होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इनमें से कोई एक जो एप्लीकेशन है उसका पैसा आपको देना होगा फर्स्ट टाइम नगद। जैसे मान लो 100 रुपये का ही एक शेयर आपने लिया है, 25 रुपये की एप्लीकेशन आपको पहले देनी पड़ेगी। अगर एक ही शेयर लिया तो 25 रुपये बनते हैं ना आपके फ़िलहाल, तो 25 रुपये आप देंगे नगद। मतलब कंपनी का लेन देन चेक से होता है, बैंक से होता है, तो बैंक लिखेंगे हमारी एंट्री में। तो जब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा नगद दे देंगे, और उस टाइम एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इस तरह से बैंक के पास पैसा चला गया। अब जब बैंक, ये रही एंट्री, देखो ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये इसी नरेशन है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन जितने भी शेयर हैं एट द रेट ऑफ जितने रुपये का एक शेयर है। तो ये पहली एंट्री आपकी बन गई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन का पैसा दिया, तो अगर मैं डायरेक्ट अभी अलॉटमेंट की एंट्री की बात करूँ पैसे देने की, तो यहाँ पे भी ऐसे बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम फर्स्ट कॉल की भी ऐसे बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेम सेकंड कॉल की भी ऐसी बनेगी सेकंड कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल अकाउंट। सिंपल है, तो पैसे देने हैं। पर बात आ गई है, ये मतलब जैसे भी टाइमिंग होगी उसके अकॉर्डिंग एंट्रियाँ पास हो जाएंगी, पर बात है कि भाई फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री कैसे करनी है, उसके बाद इनको क्लोज करने की एंट्री, मतलब अमाउंट को ड्यू। ये तो पैसा नगद अमाउंट रिसीव करने की हो गई, फिर अमाउंट ड्यू की भी हो जाएगी। अमाउंट ड्यू का मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम जब आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो आपको पैसे देने हैं, तो इसलिए पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आएगा। बट उसके बाद जब अलॉटमेंट की एंट्री सेकेंड फर्स्ट कॉल इनकी आएंगी, तो उसमें पहले बैंक की एंट्री नहीं बनाएंगे आप, पहले एंट्री ड्यू अमाउंट ड्यू वाली बनाएंगे। मतलब कि कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, पहले एक एक करके हम सारी एंट्री आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये आपको एप्लीकेशन, जब पैसा देंगे आप नगद, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना। फिर उस पैसे के बाद आप उस पैसे को क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो फिर आपकी ये एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कौन सा है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड होगा, उस हिसाब से उसके साथ लिखना होता है। तो एंट्री बन गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो दो ही एंट्री आएँ सभी में, देखिएगा। नगद जब पैसे की बात होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, दूसरी एंट्री है उसको ट्रांसफ़र करने वाली होती है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इस तरह इनमें कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। पर मेन मुद्दा है एंट्रियाँ तो आपको 8 की 8 आ गई। अब है कि पहले जब एप्लीकेशन की एंट्री बनाएंगे तो बैंक की एंट्री पहले बनेगी, जब ये 3 एंट्रियों का केस होगा तो इनमें बैंक की एंट्री दूसरे नंबर पर बनती है, पहले नंबर पर ड्यू की बनती है, अमाउंट ड्यू की, ट्रांसफ़र की, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो ये पहली केस आपका बनना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री अभी आप ना देखें। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देखा अमाउंट ड्यू की है पहले, ये नरेशन भी पढ़ सकते हैं, अमाउंट ड्यू की है ये एंट्री, अभी बैंक की एंट्री नहीं बनी, आपने समय से पहले अमाउंट ड्यू कर दिया है, अब वो पैसे इसके दे देगा, नगद पैसे देगा, कैसे, ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आई बैंक की एंट्री दूसरे नंबर पे, फिर ऐसी फर्स्ट कॉल की एंट्री है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ड्यू की एंट्री पहले बनेगी, बैंक की एंट्री बाद में बनेगी अमाउंट रिसीव की, पर एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री रिसीव की पहले बनेगी और उसके बाद ट्रांसफर होने के बाद फिर धीरे धीरे सारी एंट्री चलती हैं। ऐसी सेकंड कॉल की बनेगी, देखो भाई सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो ये परवामाई स्पीड में आपको याद होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा कुछ और एंट्री भी हैं, जैसे कि जब शेयर इशू टू प्रमोटर, प्रमोटर का मतलब होता है जो प्रवर्तक होता है, जिसने कंपनी का निर्माण किया तो उसने इतनी मेहनत की, कंपनी को सारे वैलिड करवाया, नाम नाम सब कुछ करवाया, तो उसको कंपनी खुश होकर शेयर भी दे सकती है। जब शेयर देगी तो एंट्री बनेगी, या तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बोल लीजिए, या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल भी आप बोल सकते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको हम शेयर के बदले, मतलब शेयर और असेट्स का लेन देन कर देते हैं, कैश का लेन देन नहीं होता। जैसे होरो ने तो शेयर खरीदा, पैसे दिए हैं ना, कोई पैसे नहीं देना चाहता, उसके बदले हम उससे असेट्स खरीद लेते हैं, तो उसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ असेट्स, ठीक है ना। तो अनदर कैश, अदर देन कैश, ऐसे बोलते हैं इस केस को। तो यहाँ पे 2 एंट्रियाँ बनती हैं, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगली एंट्री ये बनेगी। 2 एंट्रियाँ ऐसे बनती है इसके अंदर, जब कोई असेट्स के बदले हम शेयर वगैरह का लेन देन करेंगे। तो इस तरह से सारा शेड्यूल चलता है। और फिर ये सारा केस था एट पार का, जो मैंने आपको बताया, फिर वो एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, इस तरह की कंडीशन में भी ढल जाता है। तो अगर हमारे सामने केस आ जाए एट पार, इसका मतलब होता है कि अगर 100 रुपये का शेयर है तो वो 100 रुपये के हिसाब से ही लगाया जाएगा, उसका रेट ज़्यादा नहीं होगा। पर अगर एट प्रीमियम है, प्रीमियम अगर आ गया तो 100 रुपये का जो शेयर है, 100 रुपये का शेयर है, ठीक है ना, रुपये ही, तो वो है 100 से ज़्यादा का बिकेगा, मतलब 110 में, 111, 112, 105, 104 से जितने का फेस वैल्यू उससे ज़्यादा का मतलब उसको बेचा जाएगा, तो वह प्रीमियम हो जाएगा, बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक लाइन हमारी एंट्री में और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या बढ़ जाएगी वो हम आपको बता देंगे। अब बात है कि ये प्रीमियम किस एंट्री पर लगेगा, क्योंकि हमारे 4 केस हमने आपको बताए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो ये किसी पर भी हो सकता है अगर क्वेश्चन में देगा तो, नहीं तो बिना कुछ कहे तो वो हर बार अलॉटमेंट पे चलता है। तो अलॉटमेंट की जो एंट्री बनती है ना आपकी, अलॉटमेंट की एंट्री ऐसे बनाते हैं आप, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद आप बैंक की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, ये तो प्रीमियम पर था ना, तो यहाँ पे लगाएंगे टू प्रीमियम, हमारे लिए बेनिफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट शेयर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से यहाँ पे इस एंट्री में फर्स्ट में शो करेंगे इसको, सेकंड में बैंक में वो सारा पैसा आ जाएगा। तो इस तरह से प्रीमियम वाला केस होगा। फिर एक होता है डिस्काउंट, क्या होता है भाई, एट डिस्काउंट, ये अब बुक्स में क्लोज कर दिया गया, अब आता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एट डिस्काउंट में क्या होगा कि 100 रुपये का शेयर है आपका, उससे कम में बिकेगा, जैसे 90 का, 94, 95, मतलब जितने का फेस वैल्यू उससे कम में जाएगा, तो वो एट डिस्काउंट का केस बन जाएगा। और ये हमारे लिए लॉस होता है, लॉस होगा तो एंट्री में उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम ना लिख करके डेबिट साइड में लिख देंगे डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है ना, या शेयर डिस्काउंट अकाउंट, जैसे भी नाम होगा वैसे इसको शो कर देंगे डेबिट साइड में। और अगर कहेगा उस चीज़ पर जिस पे बोलेगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पे, फिर तो उन्हीं पे बनाना है,
नहीं तो बिना कहे तो अलॉटमेंट पर ही बनता है हर बार, प्रीमियम भी और डिस्काउंट भी। बाकी अब क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से आ जाएगा, डोंट वरी। एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं, आप ज़रूर देखें नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।